हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल जायका आपका और हमारा में। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ शकरकंद की खीर। शकरकंद खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ ही ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है, इसलिए इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसकी विधि। आज हम बना रहे हैं शकरकंद की खीर। ये मैंने 400 ग्राम शकरकंद ली है, इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब इसको हम उबालेंगे कुकर में। जैसे हम आलू उबालते हैं ठीक उसी तरह से इसको उबालना है, और इसको उबलने में भी वैसा ही समय लगता है। पानी इतना डालेंगे कि हमारी शकरकंद पानी में डूब जाए। शकरकंदी उबलने के बाद मैंने इनको छील कर अच्छे से मैश कर लिया है। आप इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस पहले कर लीजिए, फिर उनको अच्छे से मैश कर दीजिए। अब मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें एक चम्मच देसी घी डाला है। अब इसको मैं डाल के 5 मिनट भूनूंगी। आंच को मीडियम रखेंगे। मैंने 5 मिनट इसको भून लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं 4 बड़े चम्मच चीनी डालूंगी। ये छोटा चम्मच नहीं, बड़ा चम्मच, ऐसे चम्मच सबके घरों में होते हैं, इससे मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। मीठा अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध मेरा 300 ml है। दूध मैंने मलाई के साथ ही लिया है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट ये पक चुका है, अब ये हमारा तैयार है। इस समय पर अब हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर इसमें मिलाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। अभी ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ये गरम ठंडा दोनों ही तरह बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप जैसा चाहें वैसा सर्व करें। अब इसको अपने डिश में निकाल लेंगे। अब इसे ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश करके सर्व करेंगे। मैं इसे कटे हुए बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।